फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं आलू की और सावक के चावल की टिक्की कटलेट। तो देखिए, मूंगफली को फ्राई कर लिया हमने और यहाँ पे 5-6 आलू लिए हैं। मूंगफली को हमने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में डाल के, और ये चावल का आटा हमने लिया है। सामक के चावल को हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, ये देखिए। और एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से मैं बना रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन को पकड़ने वाला भी कोई नहीं है और कहीं पे रखने की जगह भी नहीं मिल पा रही है जो आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो आलू में हमने मूंगफली का चूरा डाल दिया है, सामक के चावल डाल दिए हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे हम, एक दूसरे में अच्छे से बाइंड कर लेंगे। और एक तरफ हमने तेल चढ़ा दिया है। तो देखिए, इसी कढ़ाई में हमने मूंगफली भुनी थी, तो जिस कारण ये ऐसी हो गई है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ये देखिए, हमने मिक्सर तैयार कर लिया है। इसके बाद हम छोटी छोटी, आप चाहें तो जैसे राउंड में बना सकते हैं, या जिस तरीके से भी आपको शेप देना है आप उस तरीके से दे सकते हैं। मैं इसे दो तरीके से शेप दूंगी, देखिए। और तेल हमारा गर्म हो गया है और सबको मैंने करके रख लिया है तैयार अपना, ठीक है। यहाँ पे टिक्की की और मैंने थोड़ा सा कटलेट टाइप की शेप दी है, तो ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं फटती हैं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरा तो आपको पता है, नमक मैं खा नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। तो आप इसमें नमक, हरी मिर्च, धनिया, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही स्वाद लगती हैं, आप खा के देखिएगा और फिर बताइएगा। ये देखिए, कितने अच्छे से हो गई हैं ये, मेरे को तो बिल्कुल करारा पसंद है, तो इसीलिए। और गैस को ना ज़्यादा तेज़ रखिएगा ना ज़्यादा कम। और आपको आवाज़ आ रही होगी अंश की, तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा, आपको पता है छोटा बेबी है। तो इसी तरीके से हम सबको निकाल लेंगे करारा करारा करके। और फिर छोटा बाकी बेबी आपको है तो कैसा इसी लगा आप वजह से बताइएगा। आप इसे चटनी के थोड़ा साथ सा, भी खा सकते हैं अगर इसमें कुछ नहीं डालेंगे, और चटनी के साथ भी अगर आप खाएंगे हरी मिर्च की और टमाटर की, तो भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन मेरी तो प्रॉब्लम, मजबूरी है कि मैंने मीठे पे फास्ट रखा है, और बिना नमक का या फिर मीठा है, दो ही चीज़ें मैं खा सकती हूँ। तो मैं बिना नमक का खा रही हूँ, ज़्यादा मीठा खाना भी मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए बताइएगा कैसे।